हे एवरीवन, मैं देवेंद्र सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं धर्म का स्थित चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज्ञान देने वाला हूं, एक ऐसा सार आपको मिलने वाला है जिसे देखकर आपको किसी और मित्र के जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जी हां, एक ऐसे पुस्तक से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं जिसे यदि आप पढ़ेंगे और उसको अपने जीवन में ढालेंगे तो वह पुस्तक आपके जीवन को ही बदल देगी। अगर आप बहुत कमजोर फील कर रहे हैं, मतलब अगर आप अपने जीवन में हार महसूस कर रहे हैं और अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं कि मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहा, आपके अंदर कोई इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर आपकी खत्म हो गई है, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस प्रकार से महाभारत के युद्ध में अर्जुन एक महायोद्धा होने के बावजूद भी, एक स्किल और सारी उसके पास आर्मरी होने के बावजूद भी वो कमजोर पड़ गया था, कमी बस ये थी उसके अंदर गोल उसका निर्धारित नहीं था और उसकी इच्छा शक्ति जो थी वो मर गई थी और उसको जागृत किया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए थे और उन्होंने गीता जैसा महा एक ज्ञान पूरे संसार को दिया था। तो वही आज पुस्तक में आपके सामने पेश करने वाला हूं और मेरे जीवन की भी जो सबसे बड़ी मोटिवेशनल किताब जो रही है वो भगवद गीता ही रही है। और भगवद गीता कोई भी एक प्रकार से धर्म को सपोर्ट नहीं करती है। देखिए, बेसिकली हिंदू धर्म में इसको देखा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से गीता किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करती। इसमें कहीं पर भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कोई भी धर्म के बारे में इसमें कोई एक शब्द नहीं आता है। बस यहाँ पर जीवन में कैसे कर्म करना चाहिए और अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, आपकी मोटिवेशन और आपकी जो स्किल जो है उसको कैसे ये जागृत करती है वो ये पुस्तक आपको बताती है। तो भगवद गीता में आपको कैसे जीवन में मोटिवेशन मिले और कैसे आप अपने स्किल्स को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे जरूरी चीज होती है इच्छा शक्ति होती है। अगर आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है तो अगर आप सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास किताबें हैं, मटेरियल है, सब कुछ है, पैसा है, अच्छा है, कोचिंग सेंटर है, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो किताब है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र पर हो, चाहे वो एग्जाम के क्षेत्र पर हो, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, कुछ भी हो, चाहे घरेलू जीवन ही क्यों ना हो, ये पुस्तक आपको जरूर मदद करने वाली है। सारे क्षेत्रों में आपको यही पुस्तक काम आने वाली है। मेरा आपसे ये आग्रह है, यदि अगर आप अगली बार किसी को गिफ्ट दें तो ये जो बहुत से गिफ्ट मिलते हैं चमकीले और रंग बिरंगे, जो बहुत से गिफ्ट हमको देखने को मिलते हैं, कुछ समय के बाद हम यूज़ करने के बाद उसको रख देते हैं, फिर उसका कोई काम नहीं रहता, ठीक है। तो उसके जगह पर यदि अगर आप भगवत गीता उस व्यक्ति को देते हैं तो उस गिफ्ट से उसके जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है बस आपसे, ठीक है। और यदि आपको कुछ डाउट हो जीवन में, कुछ भी गोल निर्धारित नहीं हो रहा हो, तो इस पुस्तक को पढ़ना शुरू करें। केवल इसको ऊपर से ना पढ़ें, इसको पढ़कर वो उसको अपने जीवन में ढालें भी, ठीक है। ये एक ऐसी पुस्तक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मतलब थोड़ा कठिन से आपको इसकी लैंग्वेज लगेगी, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कैसे समझ सकते हैं आप इस पुस्तक को। इसको समझिए और अपने जीवन में ढालिए। एकदम से अगर आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है, आपके जो जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको आप यहाँ ढूंढिए और उसका उत्तर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो 5000 साल पहले सबसे बड़ा मोटिवेशनल यहाँ पर सेमिनार हुआ था इस धरती पर, वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही दिया था। तो ये पुस्तक भगवान श्री कृष्ण की जो कथन है, उनके शब्द जो हैं, अमृत वाणी जो उन्होंने दी थी, सारा सार इस पर है। तो श्रीमद् भगवद गीता यथा स्वरूप, मतलब जैसे भगवद गीता थी वैसे ही आपके सामने पेश की जा रही है और लाजवाब पुस्तक है। और इसको किसी भी धर्म से मत जोड़िए और प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे धार्मिक बातें मत करना, ठीक है। और मैं इन सबको मानता नहीं हूँ, कर्म की बात कर रहा हूँ और आपको एक सही एक पुस्तक का नाम बता रहा हूँ, उसको प्लीज आप पढ़ें। और मेरे जीवन में भी इस पुस्तक ने बहुत बड़ा चेंज लाया है। तो ये पुस्तक मेरे को गोल निर्धारित करना सिखाती है, इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत करते हैं वो सिखाती है। मैंने इस पुस्तक की मदद से टाइम वेस्ट करना अपना कम कर दिया। पहले मैं बहुत से टाइम वेस्ट करता था और सोचता रहता था, लेकिन उसको कभी भी एक्टिविटी में नहीं बदलता था। जब से मैंने इस पुस्तक को पढ़ा है, अपनी मेरी एक्टिविटी बढ़ी है, सोचना मेरा कम हुआ है और एक्शन मेरा बढ़ा है, विल पावर बढ़ी है। जब मेरे साथ इतना बड़ा चेंज हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता।
तो आजमाइए, आज ही इस पुस्तक को आप लाइए, अपने जीवन में इसका स्थान दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि ऐसी वीडियोस में आपके लिए और भी लाता रहूं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।